स्टार्ट करें, ऑन करनी है, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना। फर्स्ट आर्टिकल ऑन पेज नंबर टू। यूथेनेशिया के बारे में बात हो रही है, क्या होता है यूथेनेशिया? ठीक है, और ठीक है, यूथेनेशिया लीगल है इंडिया में? देखो, दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है, पैसिव लीगल है, एक्टिव नहीं कर सकते। क्या समझे एक्टिव और पैसिव से? पैसिव इज धीरे धीरे एंड एक्टिव इज तुरंत। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके बारे में, तो हेडिंग डालो यूथेनेशिया। फर्स्ट पॉइंट, दिस टर्म मींस, दिस टर्म मीन्स गुड डेथ, गुड डेथ। दिस टर्म मीन्स गुड डेथ। ठीक है, हमको स्टार्ट करने दो, फिर रह जाएगा। जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। फर्स्ट टॉपिक यूथनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द टर्म। फर्स्ट पॉइंट इज द टर्म मीन्स गुड डेथ। डिफाइंड एज हेस्टनिंग, जल्दी करना। HASTENING, हेस्टनिंग ऑफ डेथ ऑफ अ पेशेंट टू प्रिवेंट फर्दर सफरिंग्स। फर्दर सफरिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, देर आर टू टाइप्स ऑफ यूथनेशिया, एक्टिव एंड पैसिव। टू टाइप्स ऑफ यूथनेशिया, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव इज लीगल इन इंडिया बट एक्टिव इज इलीगल इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव यूथनेशिया डेफिनेशन लिखेंगे। इट रेफर्स टू एक्टिव यूथनेशिया रेफर्स टू द डेलिब्रेट एक्ट ऑफ फिजिशियन और डॉक्टर। डेलिब्रेट एक्ट ऑफ फिजिशियन और डॉक्टर टू एंड इनक्यूरेबल डिजीज
ऑफ अ पेशेंट इनक्यूरेबल डिजीज ऑफ अ पेशेंट ठीक है. नेक्स्ट पैसिव यूथेनेशिया इट रेफर्स टू पैसिव यूथेनेशिया रेफर्स टू विथ होल्डिंग और विड्रॉइंग ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट विच इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. क्या डिफरेंस समझ में आया और क्यों इलीगल एक है और दूसरा इलीगल है? जब दोनों में ही पेशेंट की उसको मार रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज यूज करके, तो एक इलीगल और दूसरा लीगल क्यों है? हाँ एक्टिव में. हाँ एक्सटर्नल सपोर्ट हटा देते हो कि जब वो मरेगा वो मर जाएगा, अब उसको एक्सटर्नल सपोर्ट यानी कि वेंटिलेटर हटा के अगर वो 10 दिन जिंदा रह रहा है तो हमने उसकी डेथ कॉज नहीं करी है. बट एक्टिव में क्या करते हैं कि हम मेडिसिन देते हैं या कुछ उसमें उसको एक्सटर्नल दवाई देते हैं जिसकी वजह से उसकी एट द मोमेंट ही डेथ हो जाती है, तो वो कंसिडर नहीं करा जाता कि वो एक लीगल है और ह्यूमेन भी नहीं माना जाता है ऐसी एक्टिविटी को, इसलिए एक इलीगल है और एक लीगल है. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है लिविंग विल. लिविंग विल WILL इट इज पर्सन्स राइट इट इज पर्सन्स राइट टू इशू इट इज पर्सन्स राइट टू इशू एडवांस डायरेक्टिव ऑन द कोर्स एडवांस डायरेक्टिव ऑन द कोर्स ऑफ हिज और हर ट्रीटमेंट ऑफ हिज और हर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट व्हेन द सिचुएशन अराइजेस व्हेन द सिचुएशन अराइजेस. जो एक कंसेंट फॉर्म होता है उसमें ये सब लिखा होता है क्योंकि ये लीगल एक्टिविटी है, तो अगर आपको कुछ भी होता है आप कोमा में जाते हो, जैसे ये जो केस हुआ है इसमें हाई कोर्ट ने बोला है एक